अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये पुलाव। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन। तो सबसे पहले हम इसे कुकर में डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले। ये तो एक तेज पत्ता है, 4 से 5 काली मिर्च है और 4 से 5 लौंग है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक वादिया का फूल। तो ये हमारे मटन में अच्छे से फ्लेवर देगा। इसके लिए हम अखा गरम मसाला इसमें डाल रहे हैं। अब डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे हमारे मटन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच तेल। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। अभी तक मैंने इसे गैस पर नहीं चढ़ाया है, सिर्फ मिक्स कर रहे हैं मटन को हम। अब मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो मेरा ये साइज का ग्लास है। इस मटन को हम सिर्फ 80% तक ही बॉईल करेंगे, क्योंकि हम इसे बाद में पुलाव में भी पकाएंगे, इसीलिए ज़्यादा कुक ओवर कुक नहीं करना है हमें। अब मैं इसमें 3 बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर रही हूँ। ये मीडियम साइज की प्याज है। तो कुकर को हम बंद कर देते हैं और 6 से 7 कुकर की सीटी ले लेते हैं। मटन में हमारे 5 से 6 कुकर की सीटी हो चुकी है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका पानी भी सूख चुका है, थोड़ा ही पानी है इसमें। मटन को चेक कर लेते हैं हम। तो 80% तक हमारा मटन गल चुका है। अब हम पुलाव बघार लेते हैं। तो मैंने एक बड़े पतीले में 4 चम्मच तेल गरम कर लिया है। उसमें हम डालेंगे अखे मसाले। तो उसमें मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, 2 से 3 वादिया के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा जीरा, 1 चम्मच जीरा है, 4 से 5 लौंग है और 4 से 5 काली मिर्च है, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे हम। इन गरम मसालों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पुलाव में। अब 3 बड़ी साइज की प्याज ली हूँ मैंने, इसे बारीक काट लिया है। ये डाल देंगे इसमें। तो हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो वहाँ तक फ्राई कर लेना है। अब प्याज का कलर थोड़ा हमारा चेंज हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 ये हरी मिर्च है, इसे मैंने काट लिया है। आप मिर्च को अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो देखिए प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमें इसमें ज़्यादा ही लगेगा, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे हम। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से कच्चापन अदरक लहसुन का निकल जाए। अब अदरक लहसुन पक चुका है इसमें। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी। गैस की फ्लेम को हमें धीमी कर देनी है ताकि मसाला हमारा जले ना, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हमें इसमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं टमाटर को डालूंगी। तो ये 3 टमाटर है, इसे बड़े स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। टमाटर के डालते ही हमें इसमें नमक भी ऐड कर देना चाहिए, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए।
तो नमक हमें पुलाव जितना बना रहे उस हिसाब से डालना है। तो हमने मटन में भी नमक डाला है, तो नमक को देखकर डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। अभी टमाटर पक जाते हैं वहाँ तक हम मसाले में होने देंगे इसे। तो देखिए टमाटर हमारा मसाले में अच्छी तरह से पक चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे मसाले में पकाया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो ये 1 कटोरी दही है, इसे मैंने फेंट लिया है ताकि जब हम इसमें दही डालें तो इसमें गुठलियाँ ना हो। इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसे भी 1 से 2 मिनट तक पका लेना है जहाँ तक दही का पानी सूख ना जाए। तो मसाला हम जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार होगा। मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो देखिए मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। दही का पानी और सब मसालों का पानी भी सूख चुका है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ मटन डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेना है और ये मटन का पानी भी जो इसका रसा सूख निकला था मटन का वो भी अच्छी तरह से हमें सुखा लेना है। तो देखिए मटन में मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और जो पानी था ये भी अच्छी तरह से सूख चुका है। इस टाइम पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। गैस की फ्लेम को मैंने फास्ट कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी हमें चावल के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर मेरे चावल 1.25 किलो है यानी 750 ग्राम चावल है। तो 750 ग्राम के लिए मैं 3 ग्लास इसमें पानी डालूँगी। तो ये साइज का मेरा ग्लास है। तो 3 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इस पानी में हम एक उबाल आने देंगे फिर इसमें चावल हम डालेंगे। तो इसमें उबाल आने देते हैं। तो पानी में उबाल आ चुका है, देखिए। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। तो चावल मैंने इंडिया गेट बासमती राइस लिए है। आप यहाँ पर कोई भी बासमती राइस ले सकते हो। तो मैंने चावल धो लिए हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। चावल डालते टाइम पर मीडियम कर देना है। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 2 मिनट तक इसे 5 आंच पर होने दूंगी और 2 मिनट के बाद इसे मीडियम आंच पर कर दूंगी। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे तेज आंच पर ही पकाया तो इसका पानी सूख चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर दूंगी ताकि हमारे चावल अच्छे से पक जाए और नीचे से जले नहीं। तो बस अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। तो अब मीडियम फ्लेम कर देते हैं हम। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। हम पुलाव चेक कर लेते हैं। तो देखिए पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह पुलाव में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसे टमाटर और प्याज और दही के कचूमर बनाकर इसे के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है पुलाव के साथ इस तरह का कचूमर। तो इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ। देखिए चावल भी बहुत ही अच्छे हमारे खिले खिले से बने हैं और मटन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे बोटी भी गल चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा पुलाव बना है मटन का। तो आप भी इसी तरह बनाकर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।